नमस्कार, मैं हूं कंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। जून महीने में कुछ राज्यों में बारिश ने दस्तक दी हो या न दी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर गलत दावों की बारिश जारी है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के चलते सार्वजनिक मंचों से लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के गलत दावे किए गए। हालांकि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी राजनेताओं को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के गलत दावे प्रसारित किए गए। आज के इस मंथ एंड वीडियो में हम आपको इस महीने शेयर की गई ऐसी ही कुछ गलत दावों की सच्चाई बताएंगे। जून महीने की शुरुआत में ही ऑल्ट न्यूज ने इस कथित इंस्टाग्राम स्टोरी के वायरल स्क्रीनशॉट का फैक्ट चेक किया था। दरअसल ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तस्वीर पोस्ट कर लोगों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर नजर रखने की बात की। ऑल्ट न्यूज ने जांच करते हुए पाया कि ये वायरल तस्वीर एडिट की गई है। मूल तस्वीर में ऑल आईज ऑन राफा लिखा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर ऐसी कोई स्टोरी नहीं लगाई थी। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम 4 जून को घोषित हुआ। हालांकि इसके पहले ही इलेक्शन और इसके रिजल्ट को लेकर देश में हलचल बनी हुई थी। ऐसे में एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल का ये कथित स्क्रीनशॉट शेयर किया गया और कहा गया कि इस चुनाव में इंडिया अलायंस को 350 से ज्यादा सीट मिलेगी, यानी इस एग्जिट पोल में उनकी जीत की ओर इशारा किया गया था। बहरहाल हमारी जांच में सामने आया कि ये वायरल स्क्रीनशॉट एडिट किया हुआ है और एबीपी न्यूज ने एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीट और एनडीए को 353 से 383 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया था। लोकसभा रिजल्ट घोषित होने के बाद ये दावा किया गया कि भाजपा ने 30 लोकसभा सीटें 500 से कम वोटों के मार्जिन से जीती है और 100 सीटें 1000 से कम अंतर से। इसके साथ कई लोग वोट काउंटिंग में गड़बड़ी होने का अंदाजा लगाने लगे। ऑल्ट न्यूज ने चुनाव आयोग की वेबसाइट चेक की और पाया कि असल में भाजपा ओडिशा के जाजपुर में सबसे कम मतों से चुनाव जीती थी। वहां से भाजपा के उम्मीदवार रविंद्र नारायण बेहरा ने बीजेडी की सर्वेश्ता सेठी को 1587 वोटों से हराया था, यानी 500 और 1000 के मार्जिन से भाजपा के जीतने का दावा गलत साबित होता है। ऐसे ही ये वायरल वीडियो शेयर करते हुए ओडिशा के कटक से कांग्रेस के विधायक बनी मुस्लिम उम्मीदवार सोफिया फिरदौस की जीत के बाद रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का दावा किया गया। वीडियो को स्लो मोशन में प्ले करने पर साफ हो जाता है कि रैली में सोफिया फिरदौस के पिता और कांग्रेस से पूर्व विधायक मोहम्मद मुकीम के नाम से नारा लगाया गया था। इसी बीच ये वीडियो इंटरनेट पर चुनाव परिणाम के बाद काफी शेयर किया गया था। दोगले हिंदुओं, बच गए तुम लोग इस बार। हाथ में सरकार आते आते राम भक्त हिंदुओं ने बचा लिया, नहीं तो राहुल हमें आरक्षण देता। अयोध्या में मंदिर की जगह दोबारा से मस्जिद बनती हमारी। लोग अयोध्या में एक मुस्लिम शख्स द्वारा हिंदुओं को खरे खोटे सुनाने का दावा करने लगे। हालांकि जांच करने पर मालूम हुआ कि मुस्लिम कपड़ों में दिख रहा यह शख्स असल में हिंदू है और इसका नाम धीरेंद्र राघव है और ये खुद को एक कंटेंट क्रिएटर बताता है। बाद में शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया था और वीडियो इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया गया था। 17 जून 2024 को देश भर में बकरी ईद का पर्व मनाया गया। ऐसे में पश्चिम बंगाल के दृश्य बताते हुए ये कथित वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया। ईद मुबारक सबाई के। आसले देखें नीचे गोरु काटार जन्य धूम लेगे छे। इखाने प्राय अनेक गोरु राखा काटा हुई छे, प्राय
ऑल्ट न्यूज ने छानबीन करते हुए पाया कि ये वीडियो असल में बांग्लादेश का है और पुराना है, और ये बात जियो लोकेशन से कंफर्म भी हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से हाथ नहीं मिलाने के दावे के साथ ये वीडियो कई यूजर्स ने पोस्ट किया। हमारी तफ्तीश में सामने आया कि वीडियो में दिख रहा ये आदमी अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं बल्कि कोई और था, जो सिर्फ पीएम मोदी को रास्ता दिखा रहा था। ये वीडियो शेयर करते हुए इंटरनेट पर दावा चलाया गया था कि 86 वर्षीय मोहम्मद दीन करीब 7 साल की मुस्लिम लड़की के साथ जबरदस्ती करता हुआ दिखा था। वायरल पोस्ट देखने पर हमें कुछ कमेंट्स मिली जिसमें बताया गया है कि ये क्लिप दरअसल एक मूवी की है। इसी आधार पर सर्च करने पर हमें ये 2004 की जहराज आइज नामक ये सीरीज मिली जिसमें वायरल वीडियो का हिस्सा है। इस सीरीज में वायरल वीडियो में दिखने वाली बच्ची का नाम जहरा है और ये बूढ़ा आदमी उसके पिता का किरदार निभा रहा है। पूरी क्लिप देखने पर मालूम होता है कि ये दोनों घर से भागे थे और झाड़ियों में छुपे थे और वहीं सो गए थे। बाद में पिता अपनी बेटी जहरा को उठाने की कोशिश करता है। यानी 2004 की ईरानी सीरीज का क्लिप सोशल मीडिया पर झूठे दावे के साथ शेयर किया गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बताकर ये ट्वीट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया। यूजर्स इसे शेयर करते हुए दावा करने लगे कि सुप्रिया श्रीनेत ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा था। इस कथित ट्वीट में साल 2012 की डेट है। गौर करें कि उस वक्त सुप्रिया श्रीनेत ईटी नाउ की चीफ एडिटर थी। हालांकि उनके द्वारा ऐसा कोई ट्वीट किए जाने की बात मीडिया में नहीं थी। वहीं एक्स पर टाइम फ्रेम के साथ सर्च करने पर हमें सुप्रिया श्रीनेत के हैंडल से किया गया ऐसा कोई ट्वीट नहीं मिला। सुप्रिया श्रीनेत ने ऑल्ट न्यूज से हुई बातचीत में बताया कि उन्होंने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया था। वायरल स्क्रीनशॉट में दिखने वाली ट्वीट की तुलना अन्य ट्वीट से करने पर भी ये बात साफ हो जाती है कि वायरल स्क्रीनशॉट एडिटेड है। बीजेपी आंध्र प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट विष्णु वर्धन रेड्डी ने संसद भवन की ये क्लिप ट्वीट करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी राष्ट्रगान खत्म होने के बाद संसद में पहुंचे थे। ऑल्ट न्यूज ने संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर मौकाए वारदात का वीडियो देखा और पाया कि राष्ट्रगान के वक्त राहुल गांधी संसद में मौजूद थे और विपक्ष की साइड में पीछे की ओर खड़े थे और राष्ट्रगान खत्म होने के बाद वो आगे बढ़े थे।